शांति। आज की तारीख है 1/12/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राज योग सिखलाने। इस योग से ही तुम विकर्मा जीत भविष्य में विश्व महाराजन महारानी बनते हो। प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो? उत्तर है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक बाप से सच्चा रूहानी लव रखना है। ये प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार हो नहीं सकती। प्रश्न है, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आश है? उत्तर है, जैसे लौकिक बाप चाहते हैं कि मैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं, बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं, बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चले तो श्रेष्ठ बन जाए। गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक है, कोई भी भूत अंदर प्रवेश न हो। भूत माना पांच विषय विकार के लिए बाबा कहते हैं, तो इसकी संभाल करनी है। कभी भी माया के तूफानों में मूंझना नहीं है, खराब आदतें निकाल देनी है। नंबर दो, याद का चार्ट रखना है, साथ साथ रूहानी सेवादारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का, कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि इस तख्त की विशेषता है, जो तख्त नशीन होगा वो सभी बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष कोई ना कोई नवीनता और विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र यानी चिंता आ नहीं सकती। ये दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग
और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।